ईद मिलाद उन नबी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। कुशीनगर थाना कसिया क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका परिषद में जुलूस निकाल कर ईद मिलाद उन नबी का पर्व अकीदत व मोहम्मद के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं सबिया से कसिया गांधी चौक जुलूस की शुरुआत करते हुए नगर पालिका परिषद वीर सावरकर नगर वार्ड नंबर 15 की गलियों व भरौली कसिया सबिया पिपरहिया गोला बाजार नौका टोला से जुलूस निकाल कर जामा मस्जिद दारुल उलूम अंजुमन इस्लामिया मदरसा व सुन्नी मस्जिद पर समापन किया गया। आपको बता दें कि मिलादुन्नबी हजरत मोहम्मद साहब की आमद जन्म दिन के रूप में मनाया जाता है। वहीं सुन्नी मस्जिद के इमाम ने इस पर्व के बारे में बताते हुए कहा कि इस दिन हमारे हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन है, जिसको हम सभी बहुत ही मोहब्बत और अकीदत के साथ मनाते हैं और जब तक जिंदगी है मनाते रहेंगे। वहीं सभी अहले वतन को प्यार और मोहम्मद का पैगाम दिया गया। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है आज ही के दिन पैदाइश भी हुई और वफात भी हुई, इसलिए मेरे आका जब दुनिया में जलवा अफरोज हुए तो मेरे आका के आने पर चांद सितारे सभी झूम झूम को जो है गाना गाने लगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो अलग के लोग थे, जो गलत लोग थे, वो मुंह के भर गिर गए इसी समय में। और मेरे आका आने के बाद कुछ समय बीतने के बाद जो मदीना मनव्वरा में या क्या बोलता है काबा में जो अपने लड़कियों को दफन किया करते थे, जला दिया करते थे, बेवा को जला दिया करते थे, यतीमों को परेशान किया करते थे, मेरे आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आवाम को, पूरे दुनिया के मखलूक के लोगों को ये पैगाम दिया कि मैं वो इस्लाम के मानने वाला हूँ कि ये जो है हमारे में इतना मोहब्बत और इतनी है। यही मैसेज देना चाहते हैं कि सभी लोग अपने में भाईचारा इस जुलूस को देख करके उन्माद छोड़ करके और जिस तरीके से हम शांति और बढ़िया हिसाब किताब से निकाल रहे हैं, इसी को देखकर को लोगों को चाहिए कि सबसे मोहब्बत रखें, कोई अब गैर नहीं है। मेरे आका का ये कहना था कि सभी अपने हैं और जो गैर थे उनको आपने इतना मोहब्बत दिया, इतना मोहब्बत दिया, इतना मोहब्बत के साथ उनको अपने साथ रखा कि वो आपके तई आपके मोहब्बत में लिप्त हो गए, आपको मानने लगे। यहाँ हिंदुस्तान में हम लोग कोई मुसलमान नहीं थे, लेकिन ख्वाजा करीम नवाज या ऐसे कुछ वली आए, आने के बाद से यहाँ लोगों को अच्छी पैगाम दिए और मोहब्बत किए, दुश्मनों को भी मोहब्बत किए, उन्हों भी गले लगाए। इनामुल्ला ईद मिलादुन्नबी का पैगाम ये है कि लोगों के दरमियान, सारे लोगों के दरमियान एक शांति का पैगाम है। आप देखते हैं हमारा इतना एक बहुत बड़ा त्यौहार है, ये ईद उल अज़हा और ईद उल फितर से भी बढ़कर हमारा त्यौहार है। और इस त्यौहार के मौके पर तमाम मुसलमान भाई जब जुलूस लेकर निकालते हैं तो किसी मुसलमान भाई के हथियार में उसके हाथ में ना कोई डंडा देखिएगा, ना कोई हथियार देखिएगा, ना भाला देखिएगा। मुसलमान बड़ी सादगी के साथ जुलूस निकालते हैं और कोई मुसलमान ही नहीं चाहता है। आप देखें उनके सड़क पे जब लोग टहल रहे थे, जुलूस में शामिल हो रहे थे, तो पीछे जितनी भी गाड़ियाँ आ रही थी प्रशासन के तहत और लोगों की मदद से जो है गाड़ियों को साइड भी दिया जा रहा था। कहीं आपने देखा कि दो घंटे के अंदर किसी सड़क पर जाम लगा हो या किसी तरह की हमारे किसी फर्द के लोग, किसी फिरके के लोग को कोई तकलीफ पहुंची हो। ये नबी का पैगाम है, ये नबी का दर्श है कि हम किसी की इबादत करें, अगर खुदा की इबादत कर रहे हैं, नबी की मोहब्बत में हम घूम रहे हैं, जुलूस मना रहे हैं, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। और तमाम मुसलमानों को भी यही पैगाम होना चाहिए, अगर वाकई नबी के अखलाक पर अमल कर लिया जाए, नबी की सुन्नतों पर अमल कर लिया जाए, तो मुसलमान तो मुसलमान भाई हैं, हमारे हिंदू भाई भी हमें गले लगाने इसके लिए तैयार हो जाएंगे। मेरा नाम है गुलाम मोनुद्दीन, मेरा जटहा बाजार घर है, कुशीनगर में रहने वाला हूँ।